और कौन लोग हैं जो रखते हैं तकंजा, ये देसी कट्टा? इधर आओ। तो ये कट्टा कब कब निकालते थे यहाँ? एक ही बार निकाला, चार साल तो कैसे याद आ गई कट्टे की, आज कट्टा निकालना है? ऐसा लगता है नशा किया हुआ है आपने, क्योंकि डॉक्टर को पता है मैं। अरे भैया तुम जो तुम्हारी उम्र है ना, जितना ज्यादा पी रहे हो उससे ज्यादा तुम्हें रिसर्च कर लिया है उसके ऊपर, शराब के ऊपर। 6 इंच का चाकू कहाँ से ले आए, ये किसका है? अरे भाई तुम दो तो फाइटिंग कर रहे थे उस दिन, तो वीडियो कौन बनाया? इतनी अच्छी जुगलबंदी है, क्या करते बताओ ना? डराने के लिए 1, निपटाने के लिए 2, हीरो बनने के लिए 3। तुम्हारे जैसे सब हीरो लोगों को जीरो बना देंगे, समझ में आई बात? क्या नाम है? आकाश सिंह। क्या करते हो? 12th प्राइवेट। 12th प्राइवेट, चलो थोड़ा जेल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें। कहाँ रहते हो? सेक्टर 2, 15। पिताजी क्या करते हैं? नंदरोड में जॉब करते हैं। जॉब करते, क्या जॉब करते हैं? नशा उतरा नहीं है मुझे लगता है अभी तक। अभी भी नशे में ही हो? कंप्रेशन में। कौन कौन सा नशा करते हो? तो बिना नशे के तुम्हें इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? ये कहाँ से लाए हो? गांव का तो है ही, समझ गया। ये कोई खाने की चीज है गांव से लेके आए हो? कौन लेके आए इसको? नहीं लेके आया था। तुम ही लेके आए थे? कब गए थे गांव? सर 6-7 साल पहले। 6 साल से रख रहे हो इसको? तो अभी उम्र कितनी है तुम्हारी? 18। तो जब 6 साल पहले लाए थे उस टाइम तुम्हारी उम्र कितनी थी? 12 से 6 घटाओगे तो 14 कैसे होगा यार? तुम गणित में कमजोर हो, 12वीं पढ़ रहे हो। 12 साल की उम्र में तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? गाँव में रखो तो कैसे, बैग में डाल के ला, बैग में डाल के ले आए, खाने पीने की चीज जैसे बैग में डाला और उसको ले आए, वहाँ तो समझ में आया। बर्थडे के दिन इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी फायरिंग नहीं हुआ इससे। फायरिंग नहीं हुआ तो दिखा रहे थे 2 साल पहले का सर वीडियो है। दो साल पहले का वीडियो है, 2 साल पहले इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई थी? वो फायर करने की क्यों, आवाज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी? तुम ये मत समझना 2 साल पहले का बताओगे तो नाबालिग हो जाओ, बच जाओगे। भाई कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, भाई झूठ कहीं सब पकड़े गए हैं, इंस्टाग्राम में कब डाउनलोड हुआ है सब डाटा निकल जाता है, समझ रहे हो? वकीलों के चक्कर में मत रहो। तो ये बर्थडे के बाद क्यों फायरिंग किए? बर्थडे भी नहीं, फायरिंग जब हुआ तो कब हुआ था? ये सर 2 साल पहले हुआ। क्यों किए थे? क्यों किए थे सर? ऐसे मस्ती में। किस टाइम किए थे? 2021 फरवरी। नहीं नहीं, रात में, दिन में कब किए थे? कितने बजे? 2:30 बजे। 2:30 बजे रात में? 2:30 बजे रात में क्यों निकले थे घर से बाहर? हाँ ऐसी कोई दिन रात तक कोई अंतर नहीं है, 2:30 बजे निकल जाते हो तुम घर से ऐसे ही। कितने लोग निकले थे? बस 2 जोड़े हैं, तुम निकल गए दोनों। ये कहाँ रहता है, बगल में रहता है क्या? नहीं, फोन करके बुलाए होगे सेक्टर 7 से, क्या बोल के? हम लोग आज निकलेंगे, आतिशबाजी करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, ऐसा बोल के बुलाए थे? क्या बोल के बुलाए थे? तो इसको घर में रखते कहाँ थे? खुले आम तो कबर्ड में लेके निकले, हथियार लेके फायरिंग किए, घर वाले रोके नहीं? पता नहीं, घर वाले सोचे होंगे चलो हमारा नाम रोशन करेगा, फायरिंग करेगा, देश दुनिया में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। क्यों भाई उसको डाले क्यों इंस्टाग्राम पे? कौन डाला? दोस्त लोग कैसे मालूम चला कि तुम्हारा वीडियो है? मैं लोगों को दिखाया था तो उन लोगों को वीडियो दिखाए थे। क्या क्यों दिखाए थे वीडियो? हीरोपंती में कि देखो भाई फायरिंग करता हूँ। तुमने उनको दिया होगा ना वीडियो, तब तो वो लगाए होंगे, किसी ने फॉरवर्ड भी किया होगा ना भाई। अरे भाई दादागिरी में फॉरवर्ड कर दिया तुमने। कौन दोस्त थे जिनको तुमने फॉरवर्ड किया था, जिन्होंने लगाया इसको? सीट में नाम भी होगा उनका कुछ? बॉबी और बॉबी भी कट्टा रखता है क्या? नहीं। तो ये कट्टा कब कब निकालते थे यहाँ? एक ही बार निकाला, 4 साल तो कैसे याद आ गई कट्टे की, आज कट्टा निकालना है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने साल से तुम्हें साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ, समझे? तुम लोग इसको रोड पे निकलते हो रात के 2:30 बजे, फायरिंग करते हो, किसी को लग जाती तो क्या होता? मर जाता, और क्या होता? क्यों भाई मार के निकल जाते तुम लोग? तुम्हारे इन दोस्तों ने कहीं मना नहीं किया कि ये सब खतरनाक चीज़ है?
जी एक जैसे लोग एक साथ घूमते हैं, आप भी कट्टा लाए गांव से, वो भी कट्टा लाए गांव से, आप लोग कट्टा गएंगे क्या आप लोगों का कोई? हाँ आपको तो आंखों से लगता है नशा किया हुआ है आपने, उसका डॉक्टर को पता है मैं तो, अरे भैया तुम तो तुम्हारी उम्र है ना जितना ज़्यादा पी रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हारी रिसर्च कर लिया है उसके ऊपर शराब के ऊपर, अभी तुम्हारा ब्रेथ एनालाइजर से भी करा दूंगा तो पॉजिटिव आएगा, इतने तो जनता के सामने करवा दूंगा तो मुझ छोटा हो जाएगा। ठीक है चलो अभी जेल में रहोगे तो फिर सब सीख जाओगे। और क्या क्या एक कट्टे के साथ और क्या क्या किए हो? कुछ शर्मिंदगी है कि कट्टा लेके हवाई फायरिंग नहीं करना चाहिए? इसे फायदा क्या हुआ डाल के? नहीं फायदा तो हुआ ही, फ्रेंड को दिया होगा तुमने, फ्रेंड ने मांगा कि तुमने दे दिया? मांगा था। क्या बोला उसने? ऐसी दिखा दी, दिखाने तो दिखाना होता है ना, मांगा मैं साथ में नहीं था ना, वो हाँ सेंड कर बोला था मैं उसको, सेंड कर तो मालूम कैसे तुम्हारे पास कट्टा का वीडियो है? उसको बताया था पहले, दिखाया था, बताया था, फिर तो मांगा कि आप वीडियो भेजना मुझे। हाँ। फिर उसने उसने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया क्या? उसने किसने लगाया इंस्टाग्राम पे? अब सर बर्थडे था मेरा 5 दिन पहले तो पता नहीं कहाँ था। अरे अभी 5 दिन पहले बर्थडे था तो बर्थडे ग्रीटिंग्स में दिया है वीडियो, ये बताओ ना, तो ये बर्थडे गिफ्ट है तुम्हारा ये वीडियो, 5 दिन पहले बर्थडे था तब खींचे हो तब लगाए हो, मुझे बेवकूफ समझते हो कि 2021 का पड़ा हुआ है और अभी 23 में इस्तेमाल हुआ है? सर डाला 17 तारीख को है। 17 तारीख को डाला भाई, जब डाला है ना तभी का माना जाता है, कानून पता है तुम्हें? तुम ये मत सोचना कि नाबालिग बन के तो बच जाओगे, तुम कुछ नहीं बचोगे, आर्म्स एक्ट में अभी आर्म्स तुम्हारे पास से रिकवर हुआ है। कहाँ से रिकवर हुआ ये तुम्हारे पास? कहाँ से? घर से? घर से मिला है। घर वालों को मालूम चला? घर वाले कुछ फीट सब पाए होंगे तुम्हारा कि बेटा नाम रोशन कर लिया बालिग होते ही तुमने? क्या आदमी हो तुम लोग यार, नमूने हो। रात में 2:30 बजे निकलते हो घर से बाहर, चलो पीछे हो जाओ, बहुत झूठ बोलते हो तुम, उससे अच्छा तो ये लग रहा है मुझे। चलो तुम सच बोलते हो झूठ बोलते हो? तुम सच बोलते हो? तुम ये कट्टे कहाँ से लाए? गाँव से लाए, बिहार से लाए थे। बिहार में कहाँ से? क्यों लाए बिहार? गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में है भाई, तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत कमज़ोर है, तो उसको नॉलेज तो है ना, नॉलेज भी की कमी है। गोरखपुर भाई यहाँ के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश जिले में आता है, समझ गए? हाँ तो वहाँ से क्यों लेके आए? कब लेके आए ये? 2-2.5 साल पे तो बोल रहे हैं, 2 साल पहले तो फाइटिंग नहीं हो गई, तुम बोलो 2 साल पहले लाए हो? नहीं जब लाया उसके एक दो महीने बाद ही किए थे। हाँ लाते ही फाइटिंग कर दिए, वेरी गुड। क्यों लेके आए थे? ऐसे वो क्यों लाएगा कोई चीज़ भाई, कुछ काम हुआ तो लाएगा ना, म्यूजिक का काम ही नहीं मैं क्यों लाऊंगा? लाए घर वालों को बता के लाए थे, अपने आप ले आए? छुपा के लाए थे, और रखे छुपा के थे, रखे ओपन में थे? छुपा के रखे थे। कहाँ छुपा के रखे थे? अलमारी में। तो घर में कोई अलमारी वमारी खोलता नहीं है घर वाले कभी? कपड़े के पीछे छुपाया था। कितनी बार इस्तेमाल किए हो जंग लगे कट्टे को? एक ही बार किए हो। 2:30 बजे क्यों निकले थे रात में? हाँ अरे ऐसे कुछ क्यों निकलेगा यार, हवा खाने निकले होगे, दादागिरी करने निकले होगे, फाइटिंग का मन कैसे बन गया अचानक? ये तीनों कट्टा लेके निकले थे, कोई एक कट्टा लेके निकले थे? दो था, एक तुम्हारे पास एक उसके पास, दोनों का मन कैसे बना फोन पे बात भी कट्टा लेके निकलना? डेली लेके निकलते नहीं हो कट्टा? डेली कट्टा लेके निकलते हो? उस दिन कट्टा दोनों कैसे मालूम चला कि आज ही कट्टा लेके निकलना है? लेके आए थे ना तो चलाने का मन हुआ। अरे भाई मन किया तो आज ही चलाना है, इसने आपको बताया आपने इसको बताया? सर दोनों में बातचीत हुआ तो। क्या बातचीत हुआ? लेके आए तो आज चलाते करके। आज चलाते हैं करके, वो उसको 4 साल बाद याद आई, तुम्हें 2 महीने बाद याद आई कि चलाना चाहिए, तो फिर दोनों ने अपना कट्टा लेके निकल गए। और साथ में कौन था? बस अपन दोनों। दो क्या जुगलबंदी है आप दोनों की, एक एक कट्टे लेके दोनों हीरो बन के निकल गए। किस बाइक पे निकले, कार में निकले? बाइक बाइक एक ही बाइक, दो बाइक? एक बाइक। किसकी बाइक थी? इसकी बाइक थी। चला कौन रहा था? ये चला रहा था। और फायरिंग कौन किया? कितने कितने राउंड किए? एक एक राउंड। कैसा कैसा लगा फायरिंग करके? ठीक लगा लगा ही होगा, कभी लगा नहीं कि फिर निपटा भी देते हैं किसी को? नहीं नहीं, वो मजे के लिए फायर किए। तो एक बार इतना मजा आया फायरिंग करने के बाद तो दोबारा उसको दोहराया नहीं क्या तुम लोगों ने? नहीं सर। क्यों?
अब नहीं करेंगे, अब किसी को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, अब थ्योरी में निपटा ही देंगे क्या भाई? प्रैक्टिकल कर लिए तो किस्मत अच्छी है, पुलिस ने सही में पकड़ लिया, नहीं तो कितनों को निपटा दिए होते तुम दोनों मिलके जुगल जोरी में। तुम लोग क्या चोरी वोरी वसूली भी करते हो क्या इसका इस्तेमाल करके? अभी कौन डाला इसको इंस्टाग्राम पे? इसका तुमको मालूम चला कि डाला है तो कोई डिलीट नहीं करवाया? आज ही पता चला है। हाँ आज ही मालूम चला, कब? सुबह कितने बजे? 8-9 बजे जब मालूम चला तो पुलिस को तो 10 बजे मालूम चला, तो 8-9 बजे डिलीट करवा लेते हैं। डिलीट करने बोला फिर मैं किसको बोले? इसको बोला था, मतलब जो भी तेरा दोस्त है तो डिलीट करवा दे करके। ये क्या बोला? बोला बोल दिया करके। बोल दिए होकर क्या हुआ भाई? दोस्त कौन है? स्ट्रीट में रहते सब लोग। स्ट्रीट में रहता है। अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे दिया तुम दोनों को, अब जेल में बर्थडे बनाओगे उसका, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन जेल में करोगे दोनों, आम फैक्ट लग जाएगा पता है। ये तलवार कौन लेके आया? पूजा का तलवार है। अरे इसकी पूजा करते हो? अरे धार नहीं है, जब भोग दोगे ना तो धार मालूम, जितना तुम्हें मालूम थोड़ी मालूम चलेगा, जिसके अंदर घुस जाएगा ना उसको मालूम चलेगा। तो इसकी पूजा कहाँ करते थे तुम लोग? तुम लोग शस्त्र पूजा ही कितना करते हो यार, कई भगवानों की भगवान की पूजा किए हो, कई शस्त्रों की पूजा किए हो। हाँ और ये कब लाया हो तलवार? तलवार तो सर जब जन्म हुआ है तभी, जड्डी बनियान में हो तभी तलवार भांज रहे हो ऐसा? 12 साल में तो बंदूक ले आए तुम, और तलवार कब से है? इसको तो 5 महीने हुए। 5-6 महीने ही हुए हैं इसका। हाँ नवरात्रि के टाइम पे। नवरात्रि कहाँ से लाए? ये गुरुद्वारे का ही है। 36 गुरुद्वारे का है? 36 गुरुद्वारा। इसमें क्या लिखा पढ़ी में दिया ऐसे ले आए? ले आए मतलब मन हुआ गुरुद्वारे से गए उठा लाए। अरे भैया गुरुद्वारे के कोई नियम है? वहाँ बताया तुमने गुरुद्वारे में कि मैं लेके जा रहा हूँ, बंदूक भी रखता हूँ और तलवार भी रखूंगा, ये बताया तुमने? लाए गुरुद्वारे से हो, ये नवरात्रा बोल रहा है, ये गुरुद्वारे बोल रहा है। हाँ तुम दोनों जो है ना, तुम लोगों को थोड़ी सेवा की आवश्यकता है, बिना सेवा के ना मुकेल मेवा खा रहे हो तुम लोग कुछ दिनों से ना, इसे तुम लोगों का पूरी कहानियां मुझे सुना रहे हो फर्जी फर्जी। और ये 6 इंच का चाकू कहाँ से ले आए? ये किसका है? अरे भाई W41 इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई भाई तुम्हें? अभी का नहीं है, घर में पड़ा हुआ। घर में पड़ा हुआ तो घर वालों को इससे ना सब्जी कटेगा ना इससे किसका, घर वाले क्या इस्तेमाल करते थे? पूरे घर में सभी लोग ऐसे ही है क्या? कोई तलवार, कोई चाकू, कोई तकंजा? आप ही लेके आए थे? कहाँ से लाए थे? ऑनलाइन मंगाए थे। क्या आवश्यकता पड़ गई जनाब ऑनलाइन का? लाओ लाए हो ऑनलाइन, यूज करोगे ऑफलाइन, और फलम बैंड बजाओगे पुलिस की, फिर सब छापेंगे दुर्ग में चाकूबाजी बढ़ी। तुम्हारे जैसे चाकूबाजों का क्या करना चाहिए आप बताओ? ऑनलाइन किस ऑनलाइन साइट से खरीदे? फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट में कोई अच्छी चीज नहीं मिलती क्या? तो इसका ध्यान कैसे आया कि फ्लिपकार्ट से ये चाकू मंगाते हैं? इस चाकू का इस्तेमाल क्या करते हैं बताओ? हर आदमी को कितने रुपए में लिए? ये सर 100 रुपए का लिए। तो आदमी 1 रुपए भी लगाता है तभी लगाता है जब उसका कोई यूज हो। इस 100 रुपए का क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या करते बताओ ना? डराने के लिए 1, निपटाने के लिए 2, हीरो बनने के लिए 3। तुम्हारे जैसे हम हीरो लोगों को 0 बना देंगे, समझ में आई बात? तुम लोगों को बहुत मीडिया में इंस्टाग्राम में दबंगे का शौक है ना, अभी देखो पूरी दुनिया देख लेगी तुम लोगों को, ठीक है? और कौन लोग हैं जो रखते हैं तकंचा ये देसी कट्टा? इधर आओ। देखो यार सेवा के बाद जहाँ बताओगे उससे अच्छा है कि ऐसे बता दो तो अच्छा है। तो तुम लोग क्या राम लखन की जोड़ी है, निकलते हो तकंचा तुकंचा लेके खुद ही करते हो क्या? जो जैसा होता है ना उसके दोस्त भी वैसे होते हैं, सब बताओगे तुम लोगों को? देखो हम तो पकड़ ही लेंगे सबको। देखो यार मुझे तो भाई आवश्यकता नहीं है पकड़ने के लिए, ठीक है?
लेकिन सही बताओगे तो कम जाओगे, नहीं तो लिखा पढ़ी में लंबा जाओगे, ठीक है, वहां पे कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों को। तो ये चाकू का तुमको सजेशन किसने दिया कि चाकू लेना है? ये ऑनलाइन चाकू मिलता है, ये तुम्हें किसने बताया? सर मैं देखा था। कहाँ देखे थे? ऑनलाइन। ऑनलाइन यही देखते हो तुम कि चाकू कहाँ से मिलता है, तकनिया कहाँ से मिलता है? कट्टा कितने में खरीद के लाए थे? ये तो सस्ता, कितने का लेके आए कट्टा? 1,500 में तुम लाए। तुम कितने में लाए? मेरे घर पे फ्री में लिया, घर में रखा था। और तुमको ये गोई है, ये कहाँ से मिल गया? ये सब कहाँ से मिला? वहीं से मिला है। तुम कितने की लेके आए गोलियाँ? 60 रुपये की गोली। तो आदमी की जान की कीमत 1,500 + 60 1,560 रुपये ही है। क्यों भाई, तुम्हें लगा था कभी पुलिस पकड़ लेगी? हाँ तुम्हें लगा कभी? आपको कहाँ लगे, 6 साल से रखे हुए, लगे तो रखते ही नहीं। कम से कम सुबह जब वायरल हो गया तो लगा नहीं, तुरंत उसे बात करके तुरंत डिलीट करता हूँ, चेक करता हूँ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें भी कोई टेंशन नहीं। बोला था, बोलने से थोड़ी होता, करवाना चाहिए था ना बैठ के। ऐसे हीरोपंती ऐसा बर्थडे केक काटने की क्या जल्दी है? अरे बर्थडे गिफ्ट दिया किसने तुम्हें वायरल कर करके? हाँ सब दोस्तों इधर उधर के, इधर उधर के, इधर के या उधर के? इधर के कौन थे, उधर के कौन थे? एक जन डाला, फिर उसका लेके सब लोग डाल दिए। लेके सब लोग डाल दिए? तुम तो सोचते होगे कि भाई कल को तुम्हारा भी फोटो पूरा वायरल हो जाओगे, सेंसेशनल बन जाओगे, इंस्टाग्राम सेंसेशन। अरे भैया ये सब इलीगल है, तुम्हें पता नहीं था ये चीज? हाँ नहीं, एक चीज बताओ, तुम दोनों तो फाइटिंग कर रहे थे उस दिन, तो वीडियो कौन बनाया? सर ये मैं क्या, तो ये बनाया, ये क्या था मैं बनाया? हाँ कितनी अच्छी जुगलबंदी है, पहले इसने फायर किया, तुमने बनाया, फिर तुमने फायर किया, फिर इसने बनाया, दो अलग अलग वीडियो होंगे ना फिर तो? वो तो एक ही वीडियो है, तो दो अलग हो ही नहीं सकता, एक ही फोन से बना है और कंटिन्यूस बना है, दोनों दिख रहे हो कुछ में, तो दोनों दिख रहे हो एक साथ एक बार, तो बनाया कौन? मैं दिख रहा हूँ। ऐसा तुम्हारे फोन से बना है, आगे क्या सोच है? हाँ अब नहीं करना। क्या नहीं करना? ये सब गलत काम। गलत काम तो मानते हो, क्या गलत किया तुमने इसमें? फायरिंग मतलब ऐसे रखना तो अच्छा था, फायरिंग कर लिया वो गलत है। और ये वाला काम फ्लिपकार्ट और भाई तुम्हारे जैसे फ्लिपकार्ट के कारण ना नाक में दम का रखा है तुमने मेरा। इसका इस्तेमाल भी सीखा यूट्यूब पे, केवल खरीद लिया है शौक के लिए? कितने अजीब व गरीब शौक है आप लोगों के। कहाँ तक पढ़े हो? दोनों 12th प्राइवेट, अब दोनों 12th जेल हो जाओगे। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? किस चीज की? डेली नीड्स का। तो ये सब भी डेली नीड्स में कब से आ गया? ये तो डेली नीड्स में है ही नहीं। डेली नीड्स में चावल, दाल, बिस्किट, दूध, ये सब आता है ना। कौन से स्कूल से पढ़े हो? और आप वही स्कूल में सीखे हो क्या ये सब चीजें? अपना तो स्कूल का भी नाम डुबो दोगे। जो तुम्हारे भाई बंधु है ना उनको ही समझाना जेल से छूटने के बाद, ठीक है? मुझे अब डेली रात को चेक करें, 10 बजे के बाद जो दिखता है बिना काम के सबके ऊपर कार्रवाई करें। 2:30 बजे निकलते हैं ये लोग, फायरिंग करते हैं, तकंचा चलाते हैं, गुरुद्वारे से तलवार ले आए। गुरुद्वारा आना जाना कैसे होता है आप लोगों का? क्या हो रहा था? त्योहार था, तुम लोग गए, इसको उठा लाए अपना आराम से साइड से, बता के लाए, लिख के लाए, ऐसे ही ले आए। गुरुद्वारे में तलवार भी बिकता है क्या? अरे भैया ये ग्रे मार्केट से लियो, व्हाइट मार्केट से लियो? हाँ पता करेंगे। तुम लोग बताओ, धर्म के काम की चीज़ लाके उसकी भी तौहानी करते हो,
ये भगवान का तलवार है, रेस्पेक्ट के लिए है, इसी से तुम लोगों को घोपोगे, भगवान बचाए तुम लोगों को। कितने भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में दो लड़कों द्वारा रात में 2:30 बजे देसी कट्टे से फायरिंग किया गया और अपने बर्थडे पे उसको जो है इंस्टाग्राम पे डाला गया, जिसको कि सभी लड़कों द्वारा जो है शेयर लगातार किया जा रहा था। दुर्ग भिलाई में इस तरह से हथियार से फायर करना, कट्टा दिखाना, तलवार दिखाना, चाकू दिखाने का एक कल्चर बन गया है हीरोइज्म का। जैसे ही ये वीडियो हमें इंस्टाग्राम पे रिसीव हुआ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ नागरिकों ने भेजा, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों लड़कों की पहचान की, उनको गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 तलवार और 1 चाकू जो है रिकवर किया गया। मैं सभी युवकों से अपील करता हूँ कि जिनके पास भी इस तरह के हथियार हैं वो उसको जमा कर दें थानों में आके, अन्यथा उनके ऊपर आर्म्स एक्ट की गंभीर कार्रवाई जो है की जाएगी। रात में 10 बजे के बाद सघन चेकिंग अब भिलाई में किया जाएगा। जो भी व्यक्ति युवक बिना किसी काम के निकलेगा और उसके पास इस तरह के चाकू छुरियाँ मिलेंगी, उनके ऊपर भी अब आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जाएगी।